अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दर्जाबंदी की थी अबनॉर्मल बिहेवियर की, क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अबनॉर्मल बिहेवियर जितने भी हैं वो सारे आते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी बेसिकली क्या है कि जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स या जहनी आर्जे हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइकोपैथोलॉजी कहते हैं। जितने मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, उसकी वजह शामिल हो सकती है, कॉजेज हो सकते हैं, कॉजेज कौन कौन से, बायोलॉजिकल कॉज होता है, साइकोलॉजिकल कॉज होता है, सोशल कॉज होता है। इसके अलावा उसकी हम दर्जाबंदी करते हैं, उस डिसऑर्डर की दर्जाबंदी करते हैं कि इस डिसऑर्डर में क्या क्या पाया जाता है। इसके अलावा लास्ट पे हम देते हैं उसका इलाज का जो तरीका है वो बताते हैं या इलाज बताते हैं। फिर मेंटल डिसऑर्डर्स में क्या क्या आता है, मेंटल डिसऑर्डर्स किन वजह से होते हैं, तो उसमें क्या है कि इमोशनल डिस्ट्रेस, जैसे कि हमारी जज्बाती परेशानियां जो होती हैं उसमें, उसके अलावा सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड फंक्शनिंग, मैनी हेज खराबियाँ जो हैं हमारी फंक्शनिंग में, जो हम अबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इसके अलावा रिस्क होता है, ख़तरा होता है कि उसमें हम ज़ाती परेशानियां या तकलीफ़ें होती हैं, मजदूरी होती है इसमें, और भी लास्ट पे क्या होता है, मजदूरी के बाद फाइनली के बंदा मौत के मुंह में जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर्स की कुछ कैटेगरीज़ हैं जो हम देखेंगे, जिनमें दो कैटेगरीज़ हैं जिन्हें किसकी बेस पे हैं वो कैटेगरीज़, शिद्दत, मेंटल डिसऑर्डर की जितनी ज़्यादा शिद्दत होगी उसकी बेस पे हमने दो कैटेगरीज़ बनाई हैं, जिसमें एक न्यूरोसिस है, एक साइकोसिस है। आज हम इनका डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है। जैसे कि पहले देखते हैं न्यूरोसिस। न्यूरोसिस जो है ऐसा मेंटल डिसऑर्डर्स, ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं न्यूरोसिस में जो कि ज़्यादा जिनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन साइकोसिस ऐसे डिसऑर्डर हैं जिनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा न्यूरोसिस में कौन कौन से आते हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स थे, तशवीश के जो आर्जे थे, और उसके बाद सोमैटोफॉर्म जिस्मानी बीमारियों के रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स थे वो सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं। और फिर साइकोसिस में कौन से हैं, जैसे स्किजोफीनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर हैं जिसमें मूड डिसऑर्डर आते हैं, वहम है आता है इसमें, फिर बुरे ख्यालात आते हैं ये साइकोसिस में सारे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे न्यूरोसिस जो है वो फंक्शनल डिजीज़ है, उसके फंक्शंस होते हैं, और ये ज़्यादातर पर्सनालिटी जो हमारी शख्सियत पे कोई इतना खास असर नहीं छोड़ती, लेकिन साइकोसिस जो है वो क्या करती है, बिल्कुल ही एक इंसान की पर्सनालिटी को ही चेंज कर देती है, उसकी शख्सियत ही पूरी बदल देती है साइकोसिस में के डिसऑर्डर्स जो हैं। चौथे नंबर पे हम न्यूरोसिस में देखते हैं कि हकीकत के साथ उनका जो ताल्लुक है वो टूटता नहीं है, थोड़ी हद तक ख़राब हो जाता है लेकिन टूटता नहीं है। फिर साइकोसिस है, साइकोसिस का जो में जितने भी डिसऑर्डर्स वाले इंसान आते हैं उनका हकीकत के साथ ताल्लुक बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं वो। फिर उसके बाद आता है पर्सन अवेयर, जो इंसान है वो अपनी जो बीमारी है उससे प्रोसेस में के इंसान को पता होता है कि क्या बीमारी है उसे, क्यों है, कैसे है, लेकिन साइकोसिस में एक इंसान को बिल्कुल पता नहीं चलता, उसको वो बिल्कुल रियलाइज़ नहीं कर पाता कि उसे कौन सी बीमारी है। फिर न्यूरोसिस है, न्यूरोसिस में क्या है कि इंसान की ज़बान और दूसरों से बातचीत करने का तरीका और सोचे हैं वो ज़्यादा हद तक ख़राब नहीं होती, थोड़ी होंगी लेकिन ज़्यादा हद तक ख़राब नहीं होंगी। लेकिन साइकोसिस में क्या होता है कि लोगों की जो सोच है उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल नहीं सोच पाते सही तरीके से, उनके बात करने का जो अंदाज़ है वो बेतरतीबा सा, बेहंगम सा होता है, कोई उसमें फ्लुएंसी नहीं रहती, वो कुछ की कुछ बात कर रहे होते हैं, होते वो किसी जगह पर हैं लेकिन बात कोई और कर रहे होते हैं, इस तरह बिल्कुल ही हकीकत के साथ बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। फिर आता है इनके न्यूरोसिस जो क्या करते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, कुछ हद तक लोग खुदकुशी कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं इसमें कोई भी, अपने आप को इनको संभालने का तरीका आता है।
इसके अलावा साइकोसिस है, साइकोसिस वाले बिल्कुल भी अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, मैनेज ही नहीं कर पाते, और सम टाइम ऐसा आता है कि वो खुदकुशी की तरफ जाते हैं, अपने आप को मारते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर न्यूरोसिस में किसी किस्म का लोगों को ज़्यादा वहम नहीं होता, ना बुरे ख्यालात ज़्यादा आते हैं, लेकिन साइकोसिस में बुरे ख्यालात और जो ये वहम है वो तो उनका मेन सिम्टम्स है। फिर आता है न्यूरोसिस को हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही अपना आप कवर कर लेते हैं, लेकिन साइकोसिस को जो हॉस्पिटलाइजेशन की बिल्कुल ज़रूरत है, केयर की, एक प्रॉपर केयर की ज़रूरत है काफ़ी अर्से तक। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते साइकोसिस वाले, वो क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ अंसर या जुज हैं जिसकी वजह से न्यूरोसिस होता है, जैसे कि उसमें आते हैं जिस्मानी फैक्टर्स आते हैं, जहनी फैक्टर्स आते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और क्या है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। साइकोसिस में जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं उनकी वजह ज़्यादातर जेनेटिक्स हो सकती है, हमारे आबाओ अजदाद के से वो बीमारियाँ आती हैं, या फिर केमिकल जो है हमारे इंसान के जिस्म में केमिकल अगर ऊंच नीच हो जाती है उसकी वजह से बीमारी आती है, ये साइकोसिस जो है। फिर हमारा जो माहौल है बहुत हद तक वो भी इसमें अपना रोल प्ले करता है। फिर आता है लास्ट पे ट्रीटमेंट या इलाज। न्यूरोसिस वालों का ट्रीटमेंट इतना मुश्किल नहीं है, इजीली उन्हें कुछ अद्वियात दी जाती हैं, या फिर उनकी जो अहलाकी और उन्हें अहलाकी और माशर्ती मदद के साथ उन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन साइकोसिस के लिए उन्हें बहुत हाई डोज एंटीसाइकोटिक की दी जाती है, अद्वियात दी जाती हैं, फिर उन पर थेरेपीज की जाती हैं, उसके बाद हमारा जो माशरे की सपोर्ट है ना वो भी बहुत ज़रूरी है साइकोसिस वालों के लिए। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे अहतमाम पजीर होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि मेंटल हेल्थ टीवी के नाम पे, और मज़ीद वीडियोस हासिल करें।